जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक हॉरर ड्रामा फिल्म फनी गेम्स यूएस के बारे में। ये फिल्म रीमेक है साल 1997 में आई फिल्म फनी गेम्स का, जिसे सेम डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 52% और 63% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है और इसमें एक ट्विस्ट भी है जो आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें होते हैं एक कपल जॉर्ज और एन, उनका बेटा जॉर्जी और उनका डॉग लकी। ये सब वेकेशन बनाने के लिए अपने बोट हाउस जा रहे होते हैं। जॉर्ज ने गाड़ी में एक स्लो म्यूजिक लगाया होता है, लेकिन एन सीडी बदल देती है और एक लाउड म्यूजिक बजता है और मूवी का टाइटल लिखा हुआ आता है। जब वो रास्ते में होते हैं तो वो अपने पड़ोसी फ्रेड को देखते हैं, जिसके साथ दो गोल्फ प्लेयर्स भी होते हैं। एन फ्रेड से पूछती है कि वो कैसा है, तो वो अजीब सा रिएक्ट करके जवाब देता है। एन उसे उसके घर आने को कहती है उसकी बोट फिक्स करवाने के लिए, तो फ्रेड उसे कहता है कि वो 20 मिनट में वहां आएगा। एन ये देख के सोच में पड़ जाती है कि फ्रेड अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा था और उसके साथ वो दो बंदे कौन थे। वो ये बात जॉर्ज से पूछती है तो वो उसे ज़्यादा ना सोचने की सलाह देता है। कुछ देर बाद फ्रेड उनके घर आता है और उसके साथ वो लड़का भी आया होता है। वो जॉर्ज और एन को बताता है कि ये लड़का पॉल है, जो उसके दोस्त का बेटा है। उसके बाद वो जॉर्ज की बोट पानी में उतार के वहाँ से चले जाते हैं। अब जॉर्ज और उसका बेटा जॉर्जी बोट पे अकेले काम करते हैं। इधर एन जब किचन में होती है तो एक दूसरा लड़का पीटर उसके घर आता है, जो उससे कहता है कि वो फ्रेड के दोस्त का बेटा है और वो यहाँ अंडे लेने आया है क्योंकि उनके घर में अंडे ख़त्म हो गए हैं। एन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे 4 अंडे देती है, लेकिन वो अंडों को गिरा देता है। तो एन उसे साफ करती है और उससे पूछती है कि अब क्या करें। पीटर कहता है कि उसे और अंडे दे दो, तो एन उसे 4 अंडे और देने के लिए राजी हो जाती है। एन जब अंडे निकाल रही होती है तो पीटर जानबूझ के उसका फ़ोन सिंक में गिरा देता है, जिससे उसका फ़ोन काम करना बंद कर देता है। ये देख के एन बहुत गुस्सा होती है और उसे 4 अंडे दे के वहाँ से तुरंत जाने को कहती है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो सिगरेट पीती है, लेकिन तभी उसे उसके डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है, तो वो वहाँ जाती है। वो देखती है कि उसका डॉग पीटर और पॉल पे भौंक रहा है, तो वो उसे शांत कराती है। पीटर एन को बताता है कि वो 4 अंडे जो उसने दिए थे वो भी गिर गए हैं उसके डॉग के भौंकने की वजह से, तो अब उसे और अंडे चाहिए। पॉल एन के घर में एक गोल्फ स्टिक देखता है जो उसे बहुत पसंद आता है, तो वो उसे ट्राई करने के लिए बाहर चला जाता है। इधर जब जॉर्ज और जॉर्जी बोट पे काम कर रहे होते हैं तो उन्हें अपने डॉग की ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आती है, जो अचानक बंद हो जाती है। ये सुन के वो दोनों घर में जाते हैं। इधर पीटर और पॉल उनके घर से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे होते हैं, तो एन उन्हें ज़बरदस्ती भगाने की कोशिश करती है। तभी जॉर्ज वहाँ आता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो पॉल उल्टा एन को फंसा देता है। एन गुस्सा करती है और जॉर्ज को उन्हें वहाँ से भगाने को कहती है। जब जॉर्ज उन्हें भगाने की कोशिश करता है तो वो उसकी नहीं सुनते। ये देख के जॉर्ज पॉल को थप्पड़ मार देता है और तभी पॉल एक गोल्फ स्टिक उठाता है और जॉर्ज के पैर पे मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। पॉल जॉर्जी को ना चिल्लाने के लिए कहता है, जिससे जॉर्जी शांत हो जाता है। वो फैमिली बहुत डर जाती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से नहीं जाते। एन पॉल से पूछती है कि उनका डॉग कहाँ है, तो पॉल उसे इनडायरेक्टली बताता है कि उसने उसे मार दिया है। एन बाहर जाके अपने डॉग की लाश को ढूंढती है और पॉल हम ऑडियंस को देख के स्माइल करता है। तभी एन को उसके डॉग की लाश अपनी गाड़ी में मिलती है। कुछ देर बाद एन और जॉर्ज से मिलने उनके पड़ोसी आते हैं, जो वहाँ वेकेशन मनाने आए होते हैं। पॉल एन को धमकी देता है कि अगर उसने होशियारी करने की कोशिश की तो वो सबको मार डालेगा। उसके बाद पॉल एन को लेके उनके पास जाता है, जहाँ एन अपने पड़ोसियों को झूठ बोलती है कि पॉल उनका रिलेटिव है। वो उनसे कुछ देर बात करती है और उसके बाद वो पड़ोसी वहाँ से चले जाते हैं।
रात को पॉल और पीटर उन सबको बैठाते हैं और उनके साथ एक गेम खेलने को कहते हैं। पॉल उनसे कहता है कि वो शर्त लगाता है कि कल सुबह 9 बजे तक वो तीनों मर जाएंगे। ये कह के वो हम ऑडियंस से पूछता है कि हम किसकी साइड हैं, फैमिली के या उनके। जॉर्ज उससे कहता है कि उसके पास काफ़ी पैसा है, तो वो उसे बताए कि उसे कितने पैसे चाहिए उनकी जान बख्शने के लिए। पॉल उसे बताता है कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि उसे ये सब करना पसंद है। उसके बाद पॉल और पीटर एन के शरीर पे कमेंट करने लगते हैं और उसे उसके कपड़े उतारने को कहते हैं ताकि वो देख सकें कि वो कितनी स्किनी है। एन ये सुन के उन पे गुस्सा करती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अपनी माँ की बेइज्जती सुन के जॉर्जी चिल्लाने लगता है, तो पॉल उसका मुँह एक कपड़े से ढक देता है ताकि वो अपनी माँ का शरीर ना देख पाए। उसके बाद वो दोनों एन को अपने कपड़े उतारने को कहते हैं, तो एन डर के मारे कपड़े उतार देती है और वो उसका शरीर देख के बहुत खुश होते हैं और उसके बाद वो उसे वापस कपड़े पहनने को कहते हैं। उसके बाद पीटर जॉर्जी के मुंह से कपड़ा हटा देता है और तभी जॉर्जी मौका देख के वहां से भाग जाता है। पॉल एन के हाथ और पैर बांध देता है और जॉर्जी के पीछे जाता है। जॉर्जी गेट से कूदने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उससे पार नहीं कर पाता, तो वो नदी के रास्ते अपने पड़ोसी फ्रेड के घर जाता है और वहीं छुप जाता है। इधर एन पीटर से उसके परिवार की जान की भीख मांग रही होती है लेकिन पीटर उसकी नहीं सुनता। इधर जॉर्जी उस घर में बंदूक देखता है और उसके पड़ोसियों की लाश वॉशरूम में पड़ी होती है। जॉर्जी उस बंदूक को उठा के छुप जाता है और तभी पॉल उसे ढूंढ लेता है और जॉर्जी उस पर बंदूक तान देता है। वो बंदूक चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं चलती। तभी पॉल उसे पकड़ लेता है और वापस ले जाता है और जॉर्ज से कहता है कि उसके बेटे ने उसे बंदूक से मारने की कोशिश की है। जॉर्जी अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने उनके पड़ोसी फ्रेड और उसकी वाइफ की लाश देखी है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ज़रूर उन दोनों को पीटर और पॉल ने ही मारा है। पॉल उनसे कहता है कि सबसे पहले कौन मरना चाहेगा और इनी मीनी माइनी मो करता है जो एन पे ख़त्म होता है। उसके बाद पॉल किचन में खाना खाने जाता है और हमें बंदूक चलने की आवाज़ आती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने जॉर्जी को गोली मार दी है जिससे उसकी मौत हो गई है। जब पॉल वहां आता है तो वो पीटर से पूछता है कि उसने जॉर्जी को क्यों मारा, जबकि मरने की बारी तो एन की थी। पीटर उसे कहता है कि जॉर्जी भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने उसे मार दिया। उसके बाद पीटर और पॉल घर को लॉक करके बाहर चले जाते हैं। एन अपनी जगह से उठती है और किचन में जाती है और चाकू की मदद से खुद को आज़ाद कर लेती है। वो जॉर्ज के पास आके उसकी मदद करती है और वो दोनों अपने बेटे की मौत से बहुत रोते हैं। जॉर्ज एन से कहता है कि वो अकेले बाहर जाए और मदद लेके आए क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चल सकता। एन तुरंत कपड़े पहन लेती है और अपने फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करती है। उसका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा होता है क्योंकि पीटर ने उसे सिंक में गिरा दिया था। वो हेयर ड्रायर की मदद से उस फ़ोन को सुखाती है और फ़ोन ऑन हो जाता है। वो पुलिस को कॉल करती है लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आती। तभी जॉर्ज उसे वहाँ से जाने को कहता है, तो एन वहाँ से चली जाती है मदद की तलाश में। जॉर्ज पुलिस को कॉल करके सब बताने की कोशिश करता है लेकिन फ़ोन खराब होने की वजह से उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही होती है। इधर एन भागते हुए सड़क पे पहुँचती है और उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि उस गाड़ी में पीटर और पॉल होंगे, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। जब वो गाड़ी उसके नज़दीक से गुजरती है तो वो देखती है कि उसमें पीटर और पॉल नहीं हैं, तो वो उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो गाड़ी बहुत आगे चली जाती है। तभी उसे एक और गाड़ी उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है, तो वो उसे हाथ देती है। इधर जॉर्ज अपने बेटे की लाश को ढक देता है और तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि एन मदद लेके वापस आ गई है लेकिन वहाँ एन नहीं, पीटर और पॉल होते हैं जो एन को पकड़ के वापस ले आए होते हैं, यानी वो दूसरी गाड़ी में ये दोनों ही थे। पॉल और पीटर एन और जॉर्ज को बांध के बैठा देते हैं और पॉल एन से पूछता है कि वो किससे मरना पसंद करेगी, चाकू से या बंदूक से। तभी एन बंदूक उठाती है और पीटर को शूट करके उसे मार डालती है। पीटर को मरता देख पॉल हैरान हो जाता है और टीवी रिमोट ढूंढता है। वो उस रिमोट में रिवाइंड का बटन दबाता है जिससे सब रिवाइंड हो जाता है और पीटर फिर से ज़िंदा हो जाता है। जब एन बंदूक उठा के पीटर को मारने वाली होती है तो इस बार पॉल उसे रोक लेता है और वो पीटर को नहीं मार पाती। पॉल उसी बंदूक से जॉर्ज को शूट करके मार डालता है और अब सिर्फ एन बची होती है।
दोस्तों अब सुबह हो जाती है और वो एन को बांध के बोट पे ले जाते हैं और बोट को नदी में चलाने लगते हैं। जब 9 बजने में कुछ वक्त होता है तो पॉल एन को नदी में फेंक देता है जिससे वो भी मर जाती है। उसके बाद ये दोनों उनके पड़ोसी के घर जाते हैं जहाँ पॉल उस औरत से अंडे मांगता है और उसे कहता है कि एन ने उसे भेजा है। दोस्तों ये औरत वही थी जो जॉर्ज और एन से उनके घर मिलने आई थी। वो औरत अंदर अंडे लेने के लिए जाती है और पॉल हम ऑडियंस की तरफ देखता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहां पीटर और पॉल साइको किलर थे जो वेकेशन पे आए लोगों के घर में घुस के उन्हें मार रहे थे। दोस्तों आपके मन में उस रिमोट वाले सीन को लेकर सवाल जरूर आया होगा, तो आइए उसको क्लियर करते हैं। दोस्तों फिल्म का टाइटल है फनी गेम्स यानी मजाकिया खेल। ये खेल फिल्म हम ऑडियंस के साथ खेलती है जहां हम एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं और होता कुछ और है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब वो फैमिली वेकेशन मनाने जा रही थी तो उन्होंने स्लो म्यूजिक प्ले किया हुआ था और हमें लगा था कि उनका वेकेशन अच्छा बीतेगा, लेकिन तभी अचानक से एक लाउड म्यूजिक प्ले हुआ जो कि हमने सोचा भी नहीं था। दोस्तों हमने कई सारी होम इन्वेजन मूवीज देखी हैं जिसमें एंड में किलर मर जाता है और फैमिली जिंदा बच जाती है, लेकिन ये फिल्म उन सबसे अलग थी और एक्सपेक्टेशन के परे थी। ये फिल्म हमारे साथ खेल खेल रही थी और हमें गलत साबित करने में लगी हुई थी। जब एन ने पीटर को शूट करके मार डाला तो हमें लगा अब पॉल भी मारा जाएगा, लेकिन फिल्म ने हमारे साथ फनी गेम खेला और उसका विपरीत किया जहां पॉल ने रिमोट से रिवाइंड करके पीटर को दोबारा जिंदा कर दिया और फैमिली को मार डाला। दोस्तों ये फिल्म हमारे एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित करती है और हमें बताती है कि यहाँ हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है और डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी तो परफेक्ट है। मुझे इस मूवी में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसमें हिंसा के कोई भी सीन ऑन स्क्रीन नहीं दिखाए गए हैं, सारे सीन्स ऑफ स्क्रीन दिखाए गए हैं ताकि ऑडियंस खुद से इंटरप्रेट कर सके कि वहाँ कैसी हिंसा हुई होगी। दोस्तों इस फिल्म में विलन डायरेक्ट हम ऑडियंस से बात करता है जो कि काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है। दोस्तों ये फिल्म थोड़ी स्लो है लेकिन ये एक मास्टरपीस है, तो इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि इस फिल्म ने आपके साथ फनी गेम खेला या नहीं। और भी ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।